ठीक ठाक हूँ। और जी हाँ, चमक दमक रही हूँ क्योंकि आज है मेरी बर्थडे, तो जल्दी जल्दी सारे मुझे मेरी बर्थडे विश करें। और बस जी, आज का दिन ऐसे गुजारना है कि सुबह से मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे मेरे पीछे पड़े हुए थे कि मम्मा चले उठे, तैयार हो, कहीं निकलते हैं। तो बस जी, आज है छुट्टी का दिन भी और अभी हम लोग कहीं निकलते हैं बाहर और देखते हैं कैसी होती है बर्थडे की सेलिब्रेशन। और जो भी बर्थडे की सेलिब्रेशन होगी आप लोगों के साथ साथ शेयर करूँगी। और जी बस निकल रहे हैं अभी घर से और देखते हैं जो भी होता है, कुछ स्पेशल प्लान नहीं है, तो निकलते हैं कहीं, देखते हैं क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या होता है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, करते हैं आपके साथ शेयर। क्योंकि ये लोग मुझे कह रहे हैं कि जी आपका बर्थडे है तो हमें स्पेशल प्लान है, पर हो रही सुबह कुछ के बर्थडे बर्थडे। वाह, ईशल जो है वो बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और ईशल ने पहनी है जो आपकी ये शलवार, बहुत प्यारी लग रही है वो वाली पटियाला टाइप वाली। और ईशल का ये ड्रेस भी बलोची है, तो ईशल भी पूरी आज बलोची लग रही है। ईशल बलोची डांस भी आपने हमें करके दिखाना है। तो देखें ईशल कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। रेड कलर ईशल को बहुत प्यारा लग रहा है। और जी बैठ चुके हैं गाड़ी में और करते हैं अपने सफर का आगाज और देखते हैं कि जाना किधर है, जाना किधर है। और जी मुझे आज का पहला गिफ्ट अभी तक ये मिला है, रेबन। देखते हैं जी इसके अंदर कैसी ग्लासेस हैं। ये था, ये वाली ग्लासेस मुझे मिली हैं हस्बैंड की तरफ से। और अब पहन के देखते हैं कि ये हमें कैसी लगती है। ये है पावर्ड ग्लासेस, कब से मुझे कह रहे थे तुम्हें गिफ्ट करनी है, थैंक यू सो मच। और ये ग्लासेस हैं जी, आप बताएं कैसी लग रही हैं ये ग्लासेस। पावर्ड ग्लासेस हैं, बहुत अच्छी ग्लासेस हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी हैं। बताएं आप मेरे चेहरे के साथ ये सूट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और जी ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपना केक जो है वो रिसीव कर लिया। मैंने नहीं, बच्चियाँ गई थी और ये ऑर्डर कल हस्बैंड ने दिया हुआ था और बस तहजीब से हमने खाली इस केक को पिक किया है। अब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या है और ये मुझे देखने भी नहीं दे रही है, मेरे लिए सरप्राइज है। और जी हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि हम इस्लामाबाद में हैं, क्योंकि वो देखें जी सामने आपको भी नज़र आ रही होगी बहुत ही खूबसूरत फैसल मस्जिद, इस्लामाबाद की सबसे बड़ी निशानी, गला के पहाड़ों में चमकती दमकती बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो इतना तो मुझे आइडिया है कि हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, लेकिन जब मेरे पूछने पर मुझे बताया नहीं जा रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं इस्लामाबाद में, कभी बताया जा रहा था कि हम यहाँ से मोटरवे पर खानपुर चले जाएँगे, कभी कह रहे थे कि हम जो है वो कहीं और जगह जाएंगे किसी पार्क वगैरह में, तो मैंने कहा ओके। और मुझे बार बार कहा जा रहा था कि प्लीज़ अनम चुप करके बैठो, तो इसलिए मैं चुप करके बैठी रही, चुप करके बैठी रही, देखती रही कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो बस जी देखते हैं हमारे इंतज़ार की घड़ियां कहां ख़त्म होती हैं। और जैसे ही इन्होंने लिया है सर्विस रोड की तरफ टर्न, तो मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया था कि शायद हम लोग जो है वो किसी बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन पर जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमने सर्विस रोड ले ली थी और ये वाकई ही बहुत ही खूबसूरत जगह थी। और सामने के पहाड़ देख के तो मैं वाकई बहुत चौंकी थी, इट वाज़ अ रियली हिली एरिया और ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी, बहुत ही प्यारी जगह। और चलते हैं जी, देखते हैं जी हमारा सरप्राइज़ कैसा रेडी किया हुआ इन लोगों ने। तो चलें जी मुँह बंद करते हैं और देखते हैं इनके साथ जाके कि कैसा सरप्राइज़ है। जगह तो देखने में बहुत ही प्यारी लग रही थी और आज तो जो मौसम ने साथ दिया है, ऐसा ज़बरदस्त मौसम हो रहा था। और 9 नवंबर को जो बारिश हुई है पूरे पाकिस्तान में, पूरे इस्लामाबाद में, ओहो हो, ये मेरी बर्थडे की वजह से हुई है, आप लोगों को पता है। और जी हम लोग पहुंच चुके थे बहुत ही क्रीप और अब मुझे थोड़ा सा शक हो चुका था, हालांकि ये जगह मैंने बिल्कुल ना ही कभी इंटरनेट पे देखी है, इट वाज़ अ रियली फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी। और वाक़ है ये जी हम पहुँच चुके थे डेरा दारी और ये वाकई बहुत ही खूबसूरत जगह है, भी बहुत ही खूबसूरत जगह है रियली, बहुत ही, यानी आप लोग आएँ तो आपके पैसे पूरे हो जाएंगे यहाँ आके। और ऊपर से अगर मौसम भी हो आला तो क्या ही बात है। और यहाँ पे हो रहा था जी किसी का निकाह और बहुत ही खूबसूरत सेटअप लगा हुआ था यहाँ पे निकाह का, बड़ी ही प्यारी वाइट थीम के साथ और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों के बीच में। और आजकल की जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स चल रही हैं दैट आर रियली ऑसम। तो आइए जी इंजॉय कीजिए। और जी आ चुके थे अंदर और ईशल जो, और ईशल के बाबा ने जो है वो ऑलरेडी मेरा केक जो है वो ऊपर रख दिया था टेबल के ऊपर। जैसे ही मैं आई तो यार बहुत ही खूबसूरत केक था, मुझे क्या बच्चों वाली फीलिंग्स आ रही थी, मेरा पिंक पिंक इतना ज़बरदस्त जो है वो केक था माशाल्लाह। और ये बहुत ही प्यारा केक बना हुआ था और आपको पता ही है कि जब केक ऑर्डर पर तैयार किया जाए वो भी तहजीब से, तो क्या ही बात होती है केक की। और जो इनका सेटअप था वो भी बहुत खूबसूरत था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं वाकई बर्थडे कर लूँ, लेकिन मुझे स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेरी
बर्थडे जो है वो एक यादगार बनाई गई, एंड आई वाज रियली हैप्पी कि यार जिन लोगों ने मेरी बर्थडे में बड़ा अहम रोल अदा किया है और मुझे इस बर्थडे को बहुत ही स्पेशल बनाया है, स्पेशली माय हस्बैंड, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ दिया ये वाला, और ये एक जो है मेमोरेबल बर्थडे थी। Happy birthday to you. Happy birthday dear Anna. Happy birthday to you. और जी बर्थडेज़ तो हमेशा ही माशाल्लाह मेरी जितनी भी हुई हैं और बच्चों की हुई हैं बहुत ही अच्छी हुई हैं, लेकिन इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने मुझे वाकई बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी जगह का सरप्राइज़ दिया, और ये जगह मैंने बिल्कुल देखी भी नहीं थी, मुझे ये जगह वाकई बहुत अच्छी लगी है और मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आ रही थी ज़रा बर्थडे गर्ल वाली, नहीं बर्थडे गर्ल वाली, मैं मजाक में बर्थडे गर्ल कह रही थी। तो ये जी बहुत ही ज़बरदस्त एक हसीन हमारी बर्थडे जो है वो कुछ लम्हों के साथ गुजरी, और उनैजा भी मेरे साथ थी, उनैजा ने भी मैंने उसको भी इनवाइट किया हुआ था, और बाकी जो है बच्चों ने मेरे लिए और मेरे हस्बैंड ने तो वाकई मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट की थी और बहुत ही खूबसूरत जगह का सिलेक्शन की थी मेरे लिए। और जब हम लोग यहाँ पर आए तो अभी हम लोग खाना खाने जा रहे थे और इसको जो है वो देख रहे थे कि हमारी सिटिंग कहाँ होगी, हम कहाँ बैठे। तो अब यहाँ पे देखें जी ऊपर भी एक और निकाह सेरेमनी हो रही थी, यहाँ पर भी किसी का निकाह चल रहा था, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, लोगों के जैसे निकाह वगैरह ढोलकियाँ माइयों और इवेंट्स वगैरह के लिए भी बहुत ही पहाड़ों के बीच में जिनको स्पेशली शौक़ है डिस्टिनेशन वेडिंग्स और ऐसी चीज़ों का, तो वो यहाँ पर आके ज़रूर इंजॉय करें। और बहुत ही प्यारी ओपन एयर में जो है ये इन्होंने काफ़ी जगह बनाई हुई है हर फंक्शन के लिए। तो जैसे जैसे हम जा रहे थे ऊपर तो देखते हैं जी ऊपर का सेटअप कैसा है, इनकी स्टेयर्स भी बहुत ही अच्छी थी, और यहाँ से जो बारबेक्यू के लिए कोयले की खुशबुएं आ रही थी ना, ओ हो मज़ा आ गया जी, ऐसा मौसम और ऐसी शादियां और ऐसा माहौल, बाकी ये जो है ना बेस्ट कॉम्बिनेशन था। तो चलें जी देखते हैं, जाके देखते हैं खाना ऑर्डर करना है, हमारे मेन्यू में क्या चीज़ है, और हम वेन्यू तो आपने देख ही लिया है, अब चलते हैं मेन्यू की तरफ। तो बस ये सेटअप भी हमें बहुत ही अच्छा लगा था और काफ़ी रश भी था यहाँ पर, और बाहर की जो जगह थी वो डेफ़िनेटली काफ़ी लोगों ने पहले से बुकिंग्स कराई हुई थी, और ये टेबल हमारे लिए रिज़र्व था क्योंकि हस्बैंड ने पहले ही रिज़र्व करवा दिया था। अगर आपको यहाँ आना है तो अपनी बुकिंग पहले से रिज़र्व करवा दें, क्योंकि बहुत कम चांस होते हैं कि आपको कुछ टेबल खाली मिले। तो केक भी हमारा ऊपर आ चुका था और अभी हम लोग जो है वो खाना वगैरह ऑर्डर कर रहे थे, तो हमने सोचा खाने में जो है सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो करते हैं बारबेक्यू प्लेटर ही ऑर्डर करते हैं। और ये जो बाहर की व्यू दिखा रहे थे आपको, ये देख लें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मौसम कैसा ज़बरदस्त है इन पहाड़ों के बीच में, और आज बाकी मौसम भी कमाल का ही था, हर तरफ ठंड काफ़ी हो चुकी थी क्योंकि ज़ाहिर बताइए ये ओपन जगह थी, यहाँ पर ठंड बहुत थी, लेकिन ये है कि अगर आप जब भी आएँ ये शाम में ज़्यादा देर तक नहीं होता है। जी मेरा बर्थडे का वेन्यू और मेन्यू अभी आपको दिखाती हूँ, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये था मेरे लिए सरप्राइज़, ये मुझे पता था कि क्योंकि एक बार बार कहते कि इस दफ़ा तुम्हारी बर्थडे जो है वो पहाड़ों पर करनी है, तो मैं सोचती पहाड़ों वाली कौन सी बर्थडे होती है, तो यार ये वाकई बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारी जगह, और आई एम रियली लव विद दिस सरप्राइज़, और मुझे ये सरप्राइज़ बहुत ही मज़े का लगा है अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ सब माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। निकाह पे ना, और जी मैं आपको ये दिखा रही थी, ये देखिए ईशल कितना ज़बरदस्त इन्जॉय कर रही थी, इसको ट्रैम्पोलिन नज़र आ गया था, यूएई की यादें दादा कर रही थी क्योंकि यूएई में ईशलों के घर में जो है वो ये हमारे घर में ट्रैम्पोलिन था, और अब यहाँ पे काफ़ी अर्से बाद ईशल को जो है ये यहाँ पे पाकिस्तान में नज़र आया और ये बहुत इन्जॉय कर रही थी। असल में मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि कितना ज़बरदस्त मौसम है, क्योंकि यहाँ पर मैं वो चीज़ कैप्चर नहीं कर पा रही थी जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, और मैं नैदा से पूछ रही थी कि नैदा तुम्हें ये जगह कैसी लगी है, कैसा लगा सरप्राइज़, इवन कि मेरे लिए भी सरप्राइज़ था और नैदा के लिए भी सरप्राइज़ था, तो वो कह रही थी हमें बहुत मज़ा आ रहा है, और नैदा से मैं यही कह रही थी कि वाकई बड़ी प्यारी जगह यार, आज हमने आके बहुत इन्जॉय किया। तो इसके बाद जो है वो यासिर हमारे लिए केक लेके आ गए थे क्योंकि, और नैजा मुझे केक खिला रही थी, थैंक यू नैजा, क्योंकि बहुत मज़ा आया, और नैजा ने हमें ज्वाइन किया था। और उसके बाद जो है हम लोग जाते हैं अपने टेबल पे और देखते हैं कि हमारा खाना जो है जो हम ऑर्डर करके आए थे वो पहुँचे कि नहीं, हमारे पास केक पड़ा हुआ था जो हमने थोड़ा सा खाया था, और अभी हम लोग अपने खाने का वेट कर रहे थे। तो जैसे ही खाने का वेट कर रहे थे तो मेरे पास ये दो इनवेलप्स थे जो मुझे अपने अब्बू की तरफ से गिफ्ट मिला था और तानिया की तरफ से गिफ्ट मिला था, इसमें मेरे लिए पैसे थे, एंड आई वाज रियली एक्साइटेड टू गेट ऑल दीज गिफ्ट्स, और थैंक यू सो मच अब्बा जान एंड तानिया, थैंक यू सो मच, और अम्मा जान आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और जी यहाँ पर जा रहे थे हम लोग ये देखने के लिए, हम लोग गए नहीं लेकिन यहाँ पे जो है वो देखें बहुत ही खूबसूरत निकाह के लिए ब्राइड को लेके जाया जाए, तो और हम भी इस चीज़ को बड़ा इन्जॉय कर रहे थे यहाँ बैठे हुए, और हमने जो है ना बर्थडे के साथ साथ एक निकाह सेरेमनी भी इन्जॉय कर ली और अटेंड कर ली। और ये नीचे भी एक और निकाह का सेटअप हुआ हुआ था, यहाँ पर अभी तक गेस्ट आना स्टार्ट नहीं हुए थे लेकिन सामने जो है वो प्रॉपर फंक्शन जो है वो स्टार्ट था, और बहुत ही ज़्यादा हम लोग इन्जॉय कर रहे थे बर्थडे और शादी साथ साथ। इसी के साथ जब हम लोग वेट कर रहे थे तो हमारा खाना जो है वो आ चुका था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास खाने में क्या आया है। खाने में जी हमने ऑर्डर किया था बारबेक्यू प्लेटर, जिसमें ईशा ने ऑर्डर किया था अपने लिए वाइट सॉस पास्ता। और खाने में जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा इसमें सीख कबाब, चिकन कबाब और मटन का वो भी था, चाम्प भी थी, और उसके साथ राइस थे, रायता सैलेड, और ईशल का जो है वो पास्ता था। ये देखें जी ये है मेरी प्लेट और ईशल जो है वो अपना पास्ता एंजॉय करते हुए। तो यासिर जो है वो सबको सर्व कर रहे थे और फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, हमें बहुत ही मज़ा आया, इस जगह का कोई कीमत नहीं थी, वी डिड इन्जॉय। और उसके बाद जो है इन्होंने ये सेटअप बर्थडे का एक बाहर भी लगा दिया था, लेकिन हमने तो अपना केक कटिंग कर ली थी, और अब जो जो मौसम जो है वो ख़राब होता जा रहा था और बारिश आने वाली थी, और हम लोग यही सोच रहे थे कि यार क्या जो है वो इन लोगों का होगा जिन बेचारों का सेटअप जो है वो अभी नीचे बना हुआ था निकाह का, क्योंकि ये बहुत ही ओपन जगह है। आपके पास इंडोर का ऑप्शन मौजूद है लेकिन ज़ाहिर बात है आउटडोर का एक अपना ही मज़ा होता है, लेकिन अगर मौसम ऐसा हो जाए कि बहुत तेज़ बारिश के चांस बन रहे थे, सामने वालों की तो शादी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि उनका अभी खाना स्टार्ट हो चुका था, लेकिन जो जाते जाते जो है ना ईशल को देखें जी, ईशल भी जाते जाते जो है आखिरी बार ट्रैम्पोलिन के मज़े ले रही थी, और हम ना बार बार गए थे ईशल खाना खाने के बाद कौन जंप करता है। तो ये था जी हमारा आज का ट्रिप, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और मौसम का अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं कि यहाँ पे कैसा मौसम होता है। अगर आपने सर्दियों में आना है तो प्रॉपर अपना बंदोबस्त करके आइएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और मज़े की बात यह कि अब हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी यहाँ पे। तो बस जी इसी के साथ मेरी आज का दिन जो है वो ख़त्म हुआ, लेकिन मैं क्या बताऊँ कि आज का दिन कैसा था यार। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ना कुछ दिन ही इन्जॉय किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे दिन ही बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये मेरी उन कुछ यादगार दिनों में से था जिनको मेरी फैमिली ने मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल बनाया है, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर एवरीवन। दिस इज़ ब्यूटीफुल यार, सर्दियों की पहली वो है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इस्लामाबाद और ऐसा मौसम जी, वापस आ चुके थे घर पर, आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रहा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी ये वाली बर्थडे बहुत अच्छी गई है, और आई एम रियली थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, और स्पेशली मेरे हस्बैंड जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अल्लाह पाक उनको जो है वो लंबी उम्र अता फरमाए और उनके रिस्क में बेपनाह इजाफा फरमाए। आमीन 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 आमीन। और आप सब भी दुआ कीजिएगा।